हम सब स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए बट स्टॉक मार्केट हमें उससे बहुत ज़्यादा देती है एंड बिलीव मी ये चीज़ें पैसों से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि कैसे स्टॉक मार्केट से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई एंड इस वीडियो को आराम से लास्ट तक देखना तो यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ किसी भी और प्रोफेशन में आके हम एक टाइम पे जाके एक रूटीन वर्क कर रहे होते हैं हम सेम चीजें बार 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 कर रहे होते हैं बट मार्केट चेंजेस यू एज अ पर्सन आप जो लोग बहुत टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो ये बात रिलाइज करेंगे द पर्सन दे हैव बिकम टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो एक कंप्लीटली न्यू पर्सन है आप देखोगे कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्प्रूव है कितने ज़्यादा आपके मेंटल ब्लॉक्स थे जो कि मार्केट में आके आपके रिमूव हो गए हैं आप देखोगे हम सुनते थे हमेशा कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो बट ये चीज़ प्रैक्टिकली एक्चुअल में मार्केट में आके में रिलाइज़ होता है यहाँ पे हमने अपने प्रोसेस को फॉलो करना होता है विदाउट एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न एक्सपेक्टेशन्स हम रखेंगे तभी प्रॉब्लम्स आती है ये हर कोई हमें समझाता था बट इतना क्लियरली मार्केट में आके ही समझ आया है हमें ट्रेड लेने से पहले बहुत हार्डवर्क करना होता है बहुत एनालिसिस करना होता है बट वो सब ट्रेड लेने से पहले है हमने चाहे वो टेक्निकल है चाहे फंडामेंटल एनालिसिस है बट एक बार हमने ट्रेड ले लिया एक बार हमने पोजीशन ले लिया फिर हमने विदाउट एक्सपेक्टेशंस उस पोजीशन पे बैठना है अगर हम ऐसे करेंगे तब भी हम नेक्स्ट ट्रेड ले पाएंगे अदरवाइज़ अगर हम हर ट्रेड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे रहें तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम अगली बारी ट्रेड डालने से पहले बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो जाएंगे हम ट्रेड डालने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे एंड इसीलिए ये सारा जो फियर हमारे अंदर है वो इसलिए आता है एंड आपको पता है ये सारी गेम ही अपने फियर को मैनेज करने की है मार्क डगलस जो कि ऑथर है सम ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुक्स ऑफ द वर्ल्ड के वो भी यही समझाते हैं कि जो हम नेक्स्ट ट्रेड लेने लगे हैं वो हमारे नेक्स्ट थाउजेंड ट्रेड्स में से एक है आप इसको ऐसे देख के समझो आप हर ट्रेड से इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाना शुरू हो जाओ आप देखोगे आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने ही थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स लोगे तो उसमें से बस ये एक सिंगल ट्रेड है तो आप हर ट्रेड से इतनी एक्सपेक्टेशंस मत लगा के रखो हमें बस अपनी स्टडी अच्छे से करनी है हमें अपना प्रोसेस अच्छे से फॉलो करना है रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिटेशन हमें सबको पता है मेडिटेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको मेडिटेशन क्यों डेली करनी चाहिए मैं ऑलमोस्ट लास्ट टू डेकेड से मेडिटेशन कर रहा हूँ बट एक्चुअल मेडिटेशन क्या होती है उसकी इंपॉर्टेंस स्टॉक मार्केट में आके ही पता चली मेडिटेशन में हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं हम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं कुछ भी रिएक्ट करने से पहले एक बारी हम अपने आप को पॉज करके उस पर आराम से सोच के फिर एक्ट करने की सोचते हैं एंड ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप देखोगे हम कोई ट्रेड हमने लिया होता है उसके अंदर हमें जब एक छोटा सा प्रॉफिट भी दिखता है ना तो हमारा एकदम से एक्ट करने का मन करता है दैट इज़ कि हमारा एकदम से मन करता है कि उस प्रॉफिट को जल्दी से बुक कर लें बट अगर हमारा अपने माइंड पे अपने थॉट्स पे कंट्रोल होगा तो हम रियलाइज़ करेंगे कि जब तक ट्रेंड चल रहा है जब तक पोजिशंस अच्छी चल रही है उसको बुक क्यों करना है अगर ये चीज़ मेडिटेशन से ही आएगी और ये चीज़ आई गेस स्टॉक मार्केट में आके ज़्यादा अच्छे से समझ आई है अगर आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो तो अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है कुछ भी ऐड करने से पहले एक बारी सोचना है पॉज लेना है ये एक्चुअल में जो मेडिटेशन हमें सिखाती है ये चीज़ मार्केट हमें उससे ज़्यादा अच्छे से सिखा देती है अगर हम ये नहीं करते हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमने बहुत छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लिया एंड बाद में हम देखते हैं यार अगर हम इसे ना बुक करते तो ये कितना और अच्छा प्रॉफिट हो जाता हमें बाद में रिग्रेट होता है एंड इसलिए नेक्स्ट टाइम हम अपने एक्शन लेने से पहले और ज़्यादा आराम से और ज़्यादा कामली सोचते हैं एंड यही सारा तो प्रोसेस है यही तो मेडिटेशन हमें सिखाना चाहती है जो कि आई गेस स्टॉक मार्केट हमें बहुत इजीली बहुत प्रैक्टिकली सिखा देती है हैविंग लेस ईगो और स्टेइंग हम्बल तो हमें सबको पता है ये चीज़ कि हमें अपनी ईगो को जितना मिनिमाइज़ हो सके उतना करना चाहिए हमें बहुत हम्बल रहना चाहिए बट आई गेस ये स्टॉक मार्केट आपको ये चीज़ भी बहुत प्रैक्टिकली सिखा देती है काफ़ी बार ही हम देखते हैं कि जब हमारा अच्छा प्रॉफ़िट होता है उसके बाद हमारे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारा मन करता है कि हम ये प्रॉफिट किसी को शो ऑफ करें एंड हमें लगता है कि अब तो हमें बहुत अच्छे से ट्रेड करना आ गया है अब तो मैं जो भी ट्रेड करूँगा अच्छा ही होगा एंड हम उसके चक्कर में और बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं जबकि एक अच्छे प्रॉफिट के बाद आपको या तो सेम पोजीशन साइज लेनी चाहिए या फिर अपनी पोजीशन कम कर देनी चाहिए बिकॉज आउट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस हम काफ़ी बारी बिग पोजीशंस लेते हैं एंड हम सोचते हैं कि इसका भी प्रॉफिट ही होगा अब तो हमें लॉस हो ही नहीं सकता एंड जो लोग मार्केट में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं उनको पता होगा कि इसका एक्चुअल में फिर रिजल्ट क्या होता है हम अपना प्रॉफिट तो मार्केट को वापस देते ही हैं हम काफी बारी अपना लॉस इतना ज्यादा करा देते हैं इस चक्कर में कि अपनी पूरी कैपिटल हम वाइप आउट करा देते हैं हमें अपने प्रॉफिट को वापस देने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होती हमें होता है कि हम अपनी ईगो को कैसे हट करें हम गलत कैसे हो गए अब तो हमें प्रॉफिट आना चाहिए अब तो हमें समझ आ गया सारा कुछ कि मार्केट कैसे वर्क करती है तो जब हमें फिर लॉस होता है हमें समझ आता है कि नहीं यार मार्केट सुप्रीम है हमें तो बस अपना प्रोसेस को फॉलो करना था तो ये चीज़ें जो है, ये मार्केट ही आपको सिखाएगी हमने थ्रेटिकली पढ़ा हर जगह होता है बट मार्केट इतने ब्यूटीफुली आपको ये चीज़ें सिखा देती है नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी हमें पता है कि किसी भी चीज़ में लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखने के लिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है एंड ये चीज़ भी आपको मार्केट सिखाती है अब इसको वेट लॉस के एग्जाम्पल से ही देखते हैं तो काफ़ी बारी मैंने अपना वेट लॉस किया बट वापस रिगेन कर लिया फिर लॉस करता था फिर रिगेन करता था बिकॉज बेसिकली मैं एक शॉर्टकट ढूंढ रहा था एंड मार्केट में भी आप अगर शॉर्टकट से कुछ ट्रेड करोगे आप काफ़ी बड़ी पोजिशन लेना स्टार्ट कर दोगे आप गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दोगे तो हो सकता है कि एक बार आपको बहुत इमिजिएटली रिजल्ट मिल जाए बट ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने के लिए इनफैक्ट इसको अपना करियर बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी जैसे कि वेट लॉस का एग्जाम्पल था सेम ही ट्रेडिंग एग्जाम्पल है दोनों में आप जब तक अपनी लाइफ नहीं चेंज करोगे आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं आएंगे शॉर्ट टर्म तो आ जाएंगे एंड आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कितना इम्प्रूव करना होता है आपको इतनी बुक्स रीड करनी है आपको आर्टिकल्स रीड करने हैं आपको वीडियोस देखनी है ये चीज़ आई गेस अगर मैं किसी और फील्ड में होता मैं इतना इंप्रूव करने के लिए सोचता ही ना आई सीरियसली थैंक स्टॉक मार्केट जिसकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा लाइफ में इंप्रूवमेंट हुई है मेरी एंड मैं पहले से बहुत ज़्यादा डिस्प्रेंड हो गया हूँ बहुत ट्राई करता हूँ हम्बल रहने की एंड ये सब मार्केट के वजह से ही हुआ है लाइक like, ये कंसिस्टेंसी जो आई है मार्केट में एक ही प्रोसेस फॉलो करके ये लाइफ में भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है लाइक इन मेकिंग दिस यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो दिस इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस आपको बहुत हार्डवर्क करना है आपको रिसर्च करना है आपको टॉपिक सोचना है बार बार उसके बाद आपको अपनी वीडियोज रिकॉर्ड करके एडिटिंग करके उसको आपको यूट्यूब में अपलोड करनी है एंड शुरू में रिजल्ट भी नहीं आते फिर भी आपको विदाउट एक्सपेक्टेशन्स अपलोड करते रहना है एक प्रोसेस फॉलो करते रहना है जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है एंड ये क्रिएटिव प्रोसेस है तो मुझे मज़ा आता है एंड आपके साथ अपने थॉट्स अपने जो भी थोड़े बहुत मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है मार्केट की एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने में मुझे अच्छा लगता है तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर तो ये शो करता है कि आप कितने सीरियस हो मार्केट के लिए एंड आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताओ कि स्टॉक मार्केट ने आपको कैसे हेल्प किया है ओवरऑल आपकी लाइफ में एंड डू शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स